अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सीबीआई को बैठ की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गो बैक केपीआई, गो बैक, गो बैक, गो बैक केपीआई, गो बैक, गो बैक, गो बैक। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैक गो बैक केपीआई, गो बैक, गो बैक, गो बैक। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से। आज राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हम सभी विद्युत तकनीकी कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने हमारी ज्वलंत जो समस्याएं हैं उनकी मांगों के समर्थन में हमने यहाँ पर एसी साहब को, दोनों हमारे जो जिला व्रत के हैं और शहर व्रत के हैं, उनको ज्ञापन दिया है माननीय एमडी साहब के नाम और हमारे सीएमडी साहब के नाम। हमारी मांगों में मुख्य मांग हमारी जो 2015 में हड़ताल हुई थी कर्मचारियों की, उसमें हमारे कर्मचारी गौतम मेघवाल अजमेर से हैं जो कि, और ऐसे 2-3 कर्मचारी और प्रसारण के हमारे, जो कि अभी तक उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है, डिमोशन कर दिया गया उनका एक टारगेट करके उनको, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा तत्कालीन सरकार ने हमारे जो कोर्ट के जो रेशमा के तहत केस किए थे वो वापस नहीं लिए थे, तो वर्तमान सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे केस वगैरह वापस लें। और इस तरह की अन्य मांगें, जैसे हमारे केपीआई लागू किया गया है, ये 2008 की डीओपी से उठाया गया है, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो टेक्निकल वर्कमैन होते हैं जिनके ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होता है उन पर केपीआई लागू नहीं होता है, जबकि यहाँ पर उसको भी हटा, उसको एक तरफ रख के लागू किया गया है, जो कि गलत है, ये बंद होना चाहिए। आपका नाम? हेमंत चौरसिया, प्रदेश सचिव, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन।